अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं रमीज़ और मैं उमर उस्मानी। आप देख रहे हैं bike.pk के एक्सक्लूसिव मोटरसाइकिल का पोर्टल है, जहां पर तमाम मोटरसाइकिल की तमाम इन्फॉर्मेशन और तमाम मोटरसाइकिल के तमाम पार्ट्स ऑनलाइन अवेलेबल हैं। व्यूअर्स, जैसे आपको पता है कि हार्ले डेविडसन की डिफरेंट मोटरसाइकिल का रिव्यूज़ हम आपके लिए ला रहे हैं, और हमारे साथ जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं द हार्ले डिस्ट्रिक्ट क्लिफ्टन कराची में शोरूम है, उनके तामून से ये तमाम रिव्यूज़ जो हैं आप तक पहुंच रहे हैं, और हम कोशिश कर रहे हैं कि अपने व्यूअर्स को द हार्ले डेविडसन की मोटरसाइकिल की कम्प्लीट और डिटेल रिव्यू दिया जाए, ताकि उनको इन मोटरसाइकिल्स का पता चले। और द हार्ले डिस्ट्रिक्ट इस वक्त पाकिस्तान में काफ़ी काम कर रहा है हार्ले की मोटरसाइकिल को, जो कि US ब्रांड है, प्रमोट करने के लिए। और उसके लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि पहले भी मौजूद होते हैं हमारे साथ वीडियोस में, उमर उस्मानी, और इनसे हम बात करते हैं कि आज कौन सी मोटरसाइकिल का आप रिव्यू कराएंगे, थोड़ा सा आप हमारे ऑडियंस को भी बता दें। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया ebike.pk का कि उन्होंने हमें मौका दिया कि हम अपनी हार्ले डेविडसन बाइक, जो कि हार्ले डेविडसन हार्ले डिस्ट्रिक्ट इंपोर्ट कर रहा है थ्रू डीलरशिप, और हम उसको अपने व्यूअर्स तक पहुंचा सकें कि बेसिकली हार्ले डेविडसन है क्या, और पाकिस्तान में कौन कौन सी हार्ले डेविडसन अवेलेबल हैं, और इनकी क्या क्या स्पेसिफिकेशन है, आप कितने कितने अपने बजट में इसको इसका मज़ा ले सकते हैं, हार्ले डेविडसन ख़रीद सकते हैं। क्योंकि रमीज़, जैसे कि मैं आपको बताऊं कि अभी पिछले कुछ 3-4-5 साल पहले तक मेरे भी जहन में ये था कि शायद हार्ले डेविडसन पाकिस्तान में नहीं होगी, मौजूद नहीं होगी, और शायद इसके लिए मुझे अमेरिका ही जाना पड़ेगा। लेकिन जैसा कि आप देख रहे हैं, और हम अपने अपने तमाम रिव्यूज़ में हम अपने व्यूअर्स को बता रहे हैं ebike.pk के तवस्सुत से, यही कि हार्ले डेविडसन अवेलेबल है, इसकी तमाम तमाम वेराइटीज़, इसका तमाम, जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने पहना हुआ है, अब सर्दियाँ शुरू हुई तो मैंने अपर इसका लिया, तमाम हमारे पास इसके गैजेट्स, तमाम इसके गियर्स, राइडिंग गियर्स, हेलमेट्स, ग्लासेस, गॉगल्स, जॉगर्स, जो चीज़ आप चाहें हार्ले डेविडसन अपने राइडर्स के लिए तमाम चीज़ें बनाता है, ना कि सिर्फ मोटरसाइकिल। व्यूअर्स, अभी हम चलते हैं मोटरसाइकिल की तरफ, जिसका हम अभी रिव्यू करेंगे, और उमर उस्मानी आपको बताएंगे कंप्लीट उसके फीचर्स, स्पेसिफिकेशन, उसके अपेयरेंस और राइडिंग एक्सपीरियंस के बारे में। तो कौन सी मोटरसाइकिल है आज हमारे साथ? तो आज हमारे पास जो बाइक हम आज लेके आए हैं, उसका नाम है रोड किंग, और जैसा कि इसके नाम से ही जाहिर हो रहा है, ये वाकई में हार्ले डेविडसन की भी बनाई हुई रोड किंग है, और जब ये रोड पे आती है तो नो डाउट ये रोड की भी रोड किंग होती है। ठीक है। अच्छा, ये कौन सी कैटेगरी की मोटरसाइकिल है? हार्ले डेविडसन की रोड किंग जो है ये टूरिंग बाइक है बेसिकली, और हार्ले डेविडसन की हर साल 6 families चल रही होती हैं, जैसे कि इस वक्त चल रही है स्पोर्ट्स है, सॉफ्टटेल है, टूरिंग है, इससे पहले वी रॉड मसल थी, डायना है, ये बेसिकली फैमिलीज़ हैं, फिर इन फैमिलीज़ के अंदर डिफरेंट डिफरेंट बाइक्स होती हैं। तो रोड किंग जो है टूरिंग बाइक में शुमार होती है, टूरिंग एक सीरीज़ है, उसके अंदर रोड किंग आती है, और नो डाउट ये इसी लिहाज से बनाई गई है, इसकी कम्फर्टेबिलिटी इसी हिसाब से बनी गई है कि बहुत कम्फर्टेबल आपकी राइड हो। एक टूर जब आप कर रहे हो, जब आप एक सिटी टू सिटी जा रहे हो या कंट्री टू कंट्री जा रहे हो, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो। इसकी सिटिंग पोजीशन, इसका हैंडलिंग पोजीशन, इसका वेट बैलेंसिंग, इसके ब्रेकिंग सिस्टम, इसके इंजन की कूलिंग सिस्टम, हर चीज़ इस हिसाब से बनाई जाती है। तो नो डाउट ये वाकई में एक रोड किंग है। व्यूअर्स, हम मोटरसाइकिल पे मौजूद हैं, और अब हम जो है इस मोटरसाइकिल का रिव्यू करेंगे और फर्दर कंटिन्यू करेंगे। उमर उस्मानी और A to Z जो भी इस मोटरसाइकिल फीचर स्पेक्स हैं वो आपको बताएंगे। सब्सक्राइब करें ebike.pk को और बेल आइकन को प्रेस करें मोटरसाइकिल के वीडियो रिव्यूज़ के लिए।
सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा ebike.pk का कि उनके तवस्सुत से हम अपने तमाम व्यूअर्स को हार्ले डेविडसन की तमाम डिटेल्स दे पा रहे हैं, और इसीलिए आपसे कहना चाहूँगा कि ebike.pk को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली तमाम वीडियोज़ आप फौरी तौर पर देख सकें और आप हार्ले डेविडसन के बारे में जान सकें। मज़ीद डिले ना करते हुए मैं आपको बताना चाहूँगा इस बाइक के बारे में कि ये बाइक द हार्ले डिस्ट्रिक्ट के पास अवेलेबल है और ये 2014 का मॉडल है। 2014 में जो बाइक आई है इसका इंजन साइज़ जो है वो 103 क्यूबिक इंचेस होता है। 103 क्यूबिक इंचेस जो सीसी में कन्वर्ट करते हैं तो 1690 सीसी बनता है, और इसके अंदर हार्ले डेविडसन चार स्टेजेस देता है आपके इंजन अपग्रेडेशन की। ये बाइक स्पेसिफिकली स्टेज वन अपग्रेडेड है। इसके अंदर हैवी ब्रीदर लगा हुआ है, एयर इनटेक, साथ में एग्जॉस्ट लगा हुआ है हैवी ताकि फ्लो निकल सके, आपकी आवाज़ ज़्यादा हो सके। तीसरी चीज़ के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट आती है फ्यूल पैक कहलाता है, जो कि एयर एंड फ्यूल के मिक्सचर को जो है एक प्रिसाइज तरीके से आपके ECM को मॉनिटर करता है ताकि एयर और फ्यूल जो है आपका सही तरीके से मिल सके। इसके अलावा इस बाइक की खासियत ये कि जैसा कि मैंने बताया ये टूरिंग बाइक है, टूरिंग बाइक के हिसाब से इसके अंदर दो बॉक्सेस दिए हुए हैं जिसके अंदर कंप्लीट आपको एक्सेस मिलता है कि अपना सामान आप रख के अपने टूरिंग के साथ जा सकें। दूसरा इसके अंदर पीछे ये ब्रैकेट्स होते हैं जिसके अंदर आप जैसे किसी और दूसरी टूरिंग बाइक्स के अंदर बड़े बॉक्सेस आते हैं जो यहाँ पीछे लगते हैं, टूरिंग बॉक्स कहलाते हैं, वो आप इसके अंदर ईजिली लगा सकते हैं। फर्दर इस बाइक के बारे में अगर बात करूँ आपसे तो इसके अंदर ये सैडल बैग गार्ड्स लगे हुए हैं। सैडल बैग गार्ड्स का फ़ायदा ये होता है कि खुदा ना खासा कभी आप टूरिंग पे जा रहे हो, ऊंच नीची ज़मीन हो, पत्थर हो, आपकी बाइक लेट जाती है, गिर जाती है, तो आपके बॉक्सेस महफूज रहते हैं। इसी के साथ अगर आप देखें तो पीछे सैडल बैग गार्ड्स लगे हुए हैं, ये इंजन गार्ड्स कहलाते हैं। ये है आगे इसके यहाँ पे ये इंजन गार्ड है। खुदा ना खासा आपकी बाइक लेट जाती है, गिर जाती है, कहीं आपसे मिसहैंडल होती है तो ना आपके पैरों को नुकसान होता है ना बाइक को कोई नुकसान होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं नो डाउट इसका कलर माशाल्लाह, एक बहुत मुश्किल एक कॉम्बिनेशन होता है जो इनके ऊपर लाइंस आती हैं इनको बनाना। ये हार्ले डेविडसन की कुछ अपनी खासियत है, ये मशीनरीज है, ये लाइंस जो हार्ले डेविडसन अपने हाथ से लगाता है, इनकी जो हार्ले डेविडसन के पेंटर्स होते हैं ये लाइंस वो अपने हाथ से बनाते हैं। जैसे कि आप अगर देखें रोल्स रॉयस के अंदर एक लाइन आती है जो कि वो उनका एक ही पेंटर है जो पूरी तमाम गाड़ियों पर हाथ से लाइन बनाता है, तो इसी तरह से ये भी हाथ से लाइंस बनाई जाती हैं। तो अगर मैं बाइक के बारे में बात करूं और इसके खास तौर पर इसके फेस के बारे में बात करूं जो इसका फ्रंट लुक है, नो डाउट वो इसकी पहचान है, इसकी खासियत है। ये जिसका एक स्लिंग सा लुक आता है, एक सामने हेडलाइट का शेप निकलता हुआ आता है, ये शुरू से इसकी खासियत है रोड किंग की और ये आज तक ऐसे ही आ रहा है। साथ में बात करूँ जिसकी दो ऑक्सिलरी लाइट्स लगी हुई हैं, ये लाइट्स देखने में तो शायद बहुत आपको छोटी सी लगी लेकिन रात के वक्त में जब आपको विजिबिलिटी नहीं हो रही होती और आप टूर कर रहे होते हैं, आप किसी माउंटेन हिल्स टाइप की जगह पे जा रहे होते हैं तो आपको लाइट की बहुत ज़रूरत पड़ती है जहाँ पे आपको सिर्फ ये हेडलाइट आपका साथ नहीं दे पा रही होती। तो ये ऑक्सिलरी लाइट इसलिए होती हैं कि आप चाहें तो इनका फेस सामने रखें, आप जब चाहें इनको थोड़ा सा अगर आप वाइड कर दें साइड में तो आपको पूरी रोड की विजिबिलिटी दिख रही होती है। साथ में लगे इसके इंडिकेटर्स हैं। बात करेंगे इसके ब्रेकिंग सिस्टम की तो आगे इसके दो डिस्क दिए हुए हैं जैसा कि तमाम हार्ले डेविडसन टूरिंग बाइक्स में होता है कि इसके एक कैलिपर में दो पिस्टन होते हैं, दो ब्रेक पैड्स हैं और बेहतरीन ब्रेकिंग सिस्टम है। ABS ब्रेक के साथ ये बाइक आती है। बात करें हम इसकी फ्यूल कैपेसिटी की तो इसका जो फ्यूल टैंक है 22 लीटर्स का होता है और इस 22 लीटर्स के अंदर आप ऑलमोस्ट 220 किलोमीटर्स और ऑलमोस्ट इससे ज़्यादा ही जाते हैं। साथ में इसके दिखाऊं अगर दो इसके फ्यूल टैंक है, लोग क्या समझते हैं कि कैप है, नहीं ऐसा नहीं है। इसके राइट साइड पे इसका फ्यूल कैप होता है और लेफ्ट साइड पे इसका फ्यूल गेज होता है जो आपको मुसलसल शो कर रहा होता है कि आपके पास कितना फ्यूल रह गया है। बात करूँ अगर मैं इसके फुटबोर्ड्स की तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि काफ़ी कंफर्टेबल एक ऑलमोस्ट 8 to 9 इंच के फुटबोर्ड्स इसके अंदर होते हैं जो कि राइडर के लिए होते हैं, और हार्ले डेविडसन की खासियत यही है कि वो आपको कंफर्टेबिलिटी देती है पूरी की पूरी ताकि आप राइडिंग एक्सपीरियंस आपका बेहतर से बेहतर हो सके, राइडिंग प्लेजर आप ले सकें। और नो डाउट मैं हमेशा अपने व्यूअर्स से ये कहता हूँ कि इफ़ यू आर बाइंग अ हार्ले डेविडसन यू आर नॉट जस्ट बाइंग अ मोटरसाइकिल, यू आर बाइंग सेंचुरी, मोर देन सेंचुरी। 1903 से बाइक्स बन रही हैं और मुसलसल उसके अंदर जैसे कि हर फील्ड में होता है कि अपग्रेडेशन आती रहती है तो इसके साथ भी ऐसा ही कि 1903 से 2000 ऑलमोस्ट 20 आने वाला है और ये बाइक मुसलसल अपग्रेड्स होती आ रही हैं और आगे चल के जो उसके 2020 के मॉडल्स आ रहे हैं वो नो डाउट इससे भी ज़्यादा कहीं आगे की
टेक्नोलॉजी के साथ आ रहे हैं। व्यूअर्स, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इसका ये इंजन, इसके साथ मैं ऐसे बैठा हूँ, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इसका इंजन बेसिकली है क्या और क्या डिज़ाइन है इसके इंजन का। अगर मैं बात करूँ सामने लगे सबसे बड़े पार्ट की जो कि इसके इंजन में मौजूद है, इसको कहते हैं प्राइमरी चेन केस। इसके अंदर एक चेन चल रही होती है, ये इंजन से बेसिकली थोड़ा डिफरेंट पार्ट है, इंजन से थोड़ा हट के होता है। इसके अंदर एक चेन चल रही होती है जो इंजन की, इस इंजन की पावर को इस गियर बॉक्स तक पहुंचाती है। ये इसका क्लच बॉक्स होता है, यहाँ पे इसकी क्लच प्लेट्स और इसका तमाम क्लच का सिस्टम होता है। इसके बिल्कुल पीछे इसके गियर की शाफ्ट होती है, जो तमाम शाफ्ट गियर जो चल रहा है। तो ये इंजन की पावर यहाँ आके इस वेट के थ्रू एक चेन के ज़रिए इसके क्लच बॉक्स में आती है और इसके गियर सिस्टम तक जाती है और वहाँ से फिर वो ट्रांसफर आती है इसके रेयर व्हील में। तो ये इसकी बाइक का सिस्टम है कि किस तरह इसके इंजन की पावर इसके टायर तक पहुंचती है। बात करें इसके सिलेंडर्स की, तो माशाल्लाह एक खूबसूरत, ऐसा लगता है कि हाथ से तराशा हुआ है कोई चीज़ है जो कि बड़ी खूबसूरत से इसका एक अलग कॉम्बिनेशन है कि सैंड ब्लास्टिंग इसके इंजन पर हुई होती है ब्लैक और बाकी ये तमाम चीज़ सिल्वर इसके अंदर दिख रहा होता है। इंजन गार्ड की हम बात करें तो इंजन गार्ड इसी तरह डिज़ाइन होता है कि आप चलते हुए जब आप लॉन्ग टूर पर जा रहे हो तो इसके अंदर क्रूज़ कंट्रोल होता है। आप इसको क्रूज़ पर लगाएं और अपने पैर आप आगे फुटबोर्ड से हटा के इसके इंजन गार्ड पर रख लें ताकि आपके पैर पूरे आगे आगे रख सकते हैं ताकि आप थके ना, आप मुसलसल आपके पैर फोल्ड ना रहें। फाइनल कंक्लूजन करते हुए अगर इस बाइक के मैं आपको कंफर्ट लेवल और सिटिंग पोजीशन के बारे में बात करूं तो इसकी सीट है एक बकेट सीट बनी होती है जिसके अंदर आप बाकायदा एक कंफर्टेबल पोजीशन में बैठते हैं और इसी हिसाब से होती है कि आपके पैर आपके घुटने इस तरह से फोल्ड हों कि आप कम से कम भी 100 किलोमीटर या 200 किलोमीटर पर आपके पैर और आपकी जो अपर लोअर पोर्शन है ये आपका थके नहीं। और बात करेंगे इसकी क्या इसका राइडिंग पोस्चर है, क्या इसका राइडिंग जेस्चर है, तो एक बड़ा ही कंफर्टेबल और एक जैसे कि मैं इसका नाम मैं आपको बार बार इसलिए बताऊँ कि रोड किंग। इस पर बैठ के आपको वाकई में फ़ील होता है कि आप वाकई में किस रोड पे चलते हुए कोई किंग है जो कि आपकी एक राइडिंग पोजीशन को नुमाया कर रहा होता है। आप बड़े कॉन्फिडेंट होकर इसको किसी भी तरह लीन कर सकते हैं, किसी भी मोड़ पे, किसी भी कर्व पे चढ़ाते हुए, किसी पहाड़ के ऊपर चढ़ते हुए, जैसे कि हम लोग जाते हैं अमूमन जब जाते हैं हम कुंड मरीज जाते हैं तो पसनी क्रॉस करने के बाद जो है और माँ की तरफ जाके जो है काफ़ी राइडिंग वो आते हैं, हिल्स आते हैं जहाँ पे हमको काफ़ी स्पीड में चढ़ाते हुए लीन करना पड़ता है, वहाँ पे इस बाइक का कोई जवाब नहीं है, इसका कोई सानी नहीं है। आप इसको ऑलमोस्ट 60-70 किलोमीटर्स की स्पीड पे जितना चाहे लीन कर सकते हैं, ऑलमोस्ट आप इसके फुट बोर्ड्स ज़मीन पे लगा सकते हैं, ये बाइक कभी अपनी ग्रिप नहीं छोड़ती। व्यूअर्स, आपने इसका रिव्यू देखा है रोड किंग हार्ले डेविडसन का जो कि उमर उस्मानी आपको बता रहे थे, और ये मोटरसाइकिल द डिस्ट्रिक्ट हार्ले डेविडसन की है और आपने इसकी कम्प्लीट फीचर्स स्पेसिफिकेशन के बारे में जाना है और ये अवेलेबल है द डिस्ट्रिक्ट पे जो कि क्लिफ्टन कराची में है। और अगर आप ख़रीदना चाहते हैं, अगर आप इस मोटरसाइकिल को देखना चाहते हैं तो द डिस्ट्रिक्ट हार्ले डेविडसन का जो शोरूम है कराची में आप विज़िट कर सकते हैं। और ये वीडियो हमने द डिस्ट्रिक्ट हार्ले डेविडसन के स्टोर के तआवुन से बनाई है और तमाम आपने इसके स्पेक्स और रिव्यूज़ को देखा है। तो नेक्स्ट आने वाली वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को भी दबा लें ताकि नेक्स्ट रिव्यू का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।